हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप गर्मियों में अपने प्लांट की देखभाल कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हर सीजन में प्लांट की देखभाल करनी पड़ती है, तभी वह सर्वाइव करते हैं, बट गर्मियों में कुछ ज़्यादा केयर मांगते हैं प्लांट, तभी वह हमारे साथ बने रह सकते हैं। यानी एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी दोनों में ही प्लांट की केयर करनी पड़ती है। अगर आपने ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में प्लांट की केयर कर ली, आप उन्हें सर्वाइव कर पाए, तो फिर वह हमेशा से आपके साथ बने रह सकते हैं। तो देखिए, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अब ज़्यादा हीट बढ़ने से प्लांट फेड हो रहे हैं, कुछ प्लांट ख़राब भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि ऐसे प्लांट जो परमानेंट धूप में रह सकते हैं, उन्हें तो आप पक्के प्लांट उन्हें तो धूप में रख सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें सेमी शेड या बिल्कुल शेड में कर दें। तो मेरी ये फ्रंट बालकनी है, इसमें मैंने वही प्लांट रखे हैं जो कि धूप को सह सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने उनको फिर भी झुंड में रखा है। तो पहली बात तो ध्यान दें कि वह झुंड में रहें, दूसरी बात देखें कि वह कौन से प्लांट हैं, सेमी शेड वाले हैं, शेड वाले हैं या फिर पक्के धूप वाले हैं, तो वैसे उनको धूप में रखें। और फिर भी आप आगे ग्रीन नेट जरूर लगा दें, क्योंकि ग्रीन नेट लगाने से ये होगा कि मॉइस्चर रिटेन रहेगा और नमी बनी रहेगी, ठंडक बनी रहेगी, जिससे प्लांटों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब मैंने आगे फ्रंट बालकनी में, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर धूप रहती है, तो जब मैंने इसमें ग्रीन नेट नहीं लगाया था तो मैं सुबह पानी दे रही थी, फिर शाम को मुझे दोबारा पानी देना पड़ता था, क्योंकि बिल्कुल पानी सूख जाता था। और देखिए, मैंने तो छोटी छोटी बॉटल्स में भी लगा रखे हैं प्लांट, तो इनमें तो बिल्कुल पानी ऐसे लगता था शाम को कि मैंने पानी दिया ही नहीं है। और फिर जब मैंने ग्रीन नेट लगाया तो फिर इसमें मॉइस्चर रहने लगा। तो अगर आप ऐसे ग्रीन नेट लगा देते हैं और एक बार अच्छे से पानी दे देते हैं और फिर दो दिन तक पानी ऐसे बिना पानी के रह भी सकते हैं। और अगर आप पॉसिबल हो सके तो दोपहर के टाइम ग्रीन नेट को थोड़ा गीला कर देंगे, तो जो हवा आएगी वह छन के ठंडी हवा आएगी, जिससे प्लांट में नमी और ठंडक बनी रहेगी, तो प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेंगे। इसके अलावा एक बाल्टी भर के आप इन प्लांट के पास रख दें, ताकि जो हवा उठे वह नमी वाली हवा उठे और प्लांट्स में ठंडक बनी रहे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम गर्मी में भी अपने प्लांट्स को, अपने गार्डन को हरा भरा बनाए रख सकते हैं। जो प्लांट आगे धूप में सर्वाइव नहीं कर सकते थे, उन्हें मैंने पीछे वाले बालकनी में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडक रहती है, केवल सुबह की एक दो घंटे की गर्मी ही रहती है, बाकी पूरे टाइम छाया रहती है। और यहाँ पर केवल मैंने वही प्लांट्स रखे हैं जो कि धूप सर्वाइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातों का ध्यान रखकर आप गर्मियों में भी अपने गार्डन को हरा भरा बना रख